हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है खिचड़ा। ये खिचड़ा खाने में बहुत लाजवाब होता है, झटपट बन भी जाता है। मेहमान के आने पे भी बना के खिला सकते हैं, घर वालों को भी बनाकर खिला सकते हैं। जो खाएगा वो आपका तारीफ ही करेगा, उंगलियां चाट चट कर खाएगा, प्लेट भी चट कर खाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए 2 मुट्ठी चना का दाल लिए हैं, 1 मुट्ठी मूंग का दाल लिए हैं। दाल ज़्यादा रहता है, चावल कम रहता है। ये छिलका वाला मसूर है, ये भी 2 मुट्ठी है। उड़द दाल छिलका वाला लिए हैं, ये भी 1 मुट्ठी है। अरहर दाल लिए हैं, इसको तुअर दाल कहते हैं, इसे भी 1 मुट्ठी लिए हैं। जितना आपको खिचड़ा बनाना रहे उस हिसाब से आप सभी चीज़ों को ले सकते हैं। इसको गूरी कहते हैं, गेहूं और जौ को कूट के बना हुआ है। आप चाहें तो घर पे भी इसे बना सकते हैं या मार्केट से बना ले सकते हैं। 3 मुट्ठी गूरी है गेहूं जौ का, तो 3 मुट्ठी चावल है। चावल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, चावल को कम ही लेना है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, एक में मिला लेते हैं और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दाल चावल गूरी सभी चीज़ों को अच्छे से धो लेंगे। 3-4 पानी तक इन सब चीज़ों को मल के धो लेना है, जिससे कि जो भी गंदगी रहेगा निकल जाएगा। अब देखिए कितना साफ़ हो गया है, दाल चावल गूरी सभी धुल गया है। अब इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें पानी डालेंगे, ना बहुत ज़्यादा पानी डालना है ना बहुत कम। इसको गलने तक पानी डाल देना है, आधा कुकर से ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे। 1 चम्मच भर के नमक डाल दिए, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। खिचड़ा का कलर थोड़ा पीला ही रहता है तो अच्छा लगता है। अभी 1 ही चम्मच नमक डाले हैं, क्योंकि अभी हम मटन में भी डालेंगे। 2 तेज़पत्ता डाल दिए। कुकर में ढक्कन लगा देंगे और इसको कम से कम 6-7 सीटी तक उबलने देंगे, जिससे कि दाल अच्छे से गल जाए। कुकर 7 सीटी ले लिया, गैस को बंद कर दिए। अब प्रेशर निकलने का इंतज़ार करेंगे। कुकर से प्रेशर निकल गया है, दाल को देख लेते हैं। दाल चावल गेहूं जौ का गूरी तो अच्छे से गल गया है, पानी सूख गया है। अब इसको हम एक पतीली में निकाल लेंगे। कोई भी थोड़ा सा बड़ा बर्तन रहे, जिससे कि खिचड़ा अच्छे से फैल के बनता है, सही रहता है। छोटा बर्तन रहता है तो पकने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये अच्छे से गल गया है, निकाल लिए हैं पतीली में। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। अब मटन बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जो कि खिचड़ा में हम डालेंगे। 3 पाव मटन लिए हैं, ये फैट वाला मटन है, चिकनेदार। चिकनेदार गोश्त रहता है तो थोड़ा सा बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो बगैर फैट का भी ले सकते हैं। हड्डीदार भी गोश्त लिए हैं और बगैर हड्डी वाला भी लिए हैं, जो आपको पसंद हो ले लीजिए। उसको धो के स्टेनर में रख दिए थे, अब गैस पर कुकर चढ़ा दिए हैं। उसमें सरसों का तेल डाल दिए 4 चम्मच। तेल गर्म हो गया। 3 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज रखे हैं, गर्म आयल में डाल दिए। अब प्याज को फ्राई करेंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई रखे हैं, इसको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। 2 तेज़पत्ता भी डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अभी थोड़ा देर इसको नहीं भी बराबर चलाएंगे तो ये जलेगा नहीं। गुलाबी कलर का प्याज हो गया है, अब थोड़ा देर तक हम बराबर चलाएंगे, नहीं तो ये जलने लगेगा। बहुत ज़्यादा इसको हम ब्राउन कलर का नहीं करेंगे। प्याज गुलाबी कलर का हो गया है, अब इसमें हम धुला हुआ मटन डाल देंगे। आप चाहें तो खिचड़ा चिकन में भी बना सकते हैं, जो गोश्त आपको पसंद हो। सभी गोश्त को डाल दिए हैं, अब गैस का फ्लेम हाई कर दिए हैं। 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही गोश्त को फ्राई करेंगे, जिससे कि आयल के साथ अच्छे से भुना जाएगा, पकने पे बहुत टेस्टी होगा। 3-4 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको पकाने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जिससे कि मटन पानी छोड़ेगा। तब उसके बाद उसको हम भूनेंगे।
देखिए लो फ्लेम पर कर दिए थे, मटन पानी छोड़ा है। अब फिर से गैस का फ्लेम हाई करेंगे और बराबर चलाते हुए मटन को भूनेंगे। अब छोड़ देंगे इस स्टेज पे, तो ये तली में चिपकने लगेगा और जलने लगेगा, इसलिए हाई फ्लेम पर ही कुछ देर तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये बहुत लाजवाब बनेगा और भी सहना नहीं आएगा। हाई फ्लेम पर इसको भूनते हुए 7-8 मिनट हो गया। 3 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए और 3-4 मिनट तक लहसुन अदरक को भी गोश्त के साथ भूनेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए और लहसुन अदरक का स्मेल ना आए। लहसुन अदरक भून गया है, खुशबू अच्छा आने लगा है। अब गैस का फ्लेम लो कर देते हैं, अच्छे से ये भून जाएगा। देखिए इसमें पानी नहीं रह गया है, लहसुन अदरक के साथ गोश्त भून गया है। अब इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल देते हैं। जब गोश्त को हम दाल में मिलाएंगे, तब नमक कम रहेगा तो डाल देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच ही डाले हैं, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच भर के डाल दिए, तीखी वाली है वो आप अपने टेस्ट अनुसार मिर्ची डालिएगा। 1 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर डाल दिए, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को 3-4 मिनट तक धीमे आंच पे पकने देंगे गोश्त के साथ, जिससे कि मसालों से खुशबू आने लगेगा। जब ये पकने जाएगा तो देखिए अच्छे से मसाला भून गया है गोश्त के साथ, ऑयल भी ऊपर आने लगा है, गोश्त देखने में प्यारा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छा आने लगा है। अब 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। आप चाहें तो 2-3 टमाटर भी डाल सकते हैं, अगर कम है तो आप दही भी डाल सकते हैं। हम 1 टमाटर डाले हैं, छोटी कटोरी से 1 कटोरी इसमें दही डाल देते हैं। गैस का फ्लेम अभी लो कर देंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक टमाटर दही को पकने देंगे, जिससे कि ये ऑयल छोड़ देगा और अच्छे से पक जाएगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिए ये भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, देखने में भी लग रहा है कि हाँ बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होगा। अच्छे से गोश्त मसाले सभी चीज़ें भून गया है, जितना अच्छा गोश्त भुनता है उतना टेस्टी बन के तैयार होता है। इसको गलने के लिए 1/2 गिलास पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ता है। पानी के साथ गोश्त को सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खिचड़ा ऐसी चीज़ है कि उसका नाम सुन के ही मुँह में पानी आने लगता है, मन करता है खा ले। कुकर में ढक्कन लगा दिए और गोश्त को 7 सीटी तक गलने देंगे मीडियम फ्लेम पर। कुकर 7 सीटी ले लिया है, गैस को बंद कर देंगे। प्रेशर निकल गया है, गोश्त को देख लेते हैं। गोश्त तो लग रहा है कि गल गया है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, तीरा भी अच्छा छोड़ दिया है। हाथ में हल्का सा पानी लगा लीजिए क्योंकि गोश्त अभी गर्म है। देखिए इस तरह से देख ले रहे हैं, गोश्त गल गया है, हल्का फुल्का कसर भी है, तो जब ये दाल के साथ पकेगा तो अच्छे से गल जाएगा। जो दाल हम रखे थे उसे गैस पे चढ़ा दिए, गरम पानी दाल में डाल देंगे क्योंकि दाल बहुत सूखा है। चावल सभी चीज़ें गूरी जो हम पकाए थे, गरम पानी डालने से इसमें कच्चापन नहीं आता है और जल्दी से खोलने लगता है। गैस का फ्लेम अभी हाई किए हैं, घोटनी ले लेंगे और इसको घोट लेंगे। अच्छे से घोट लेंगे तो दाल चावल गूरी खड़ा खड़ा नहीं रह जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए अच्छे से ये घोट गया है और इसको हम जब तक नहीं खोलेगा बराबर चलाते जाएंगे, नहीं तो तली में चिपकने लगेगा क्योंकि दाल तली में बैठने लगता है। हाई फ्लेम पर खोलाएंगे, बराबर चलाते जाएंगे, देखते जाएंगे, बहुत देर तक इसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छे से देखिए खोलने लगा है, जो गोश्त हम पका के रखे हैं अब दाल में डाल देंगे। सभी गोश्त को डाल दिए, गोश्त इस तरह से तैयार हुआ है कि आप जितना खिचड़ा में डालना चाहें डाल दीजिए और जितना बचाना चाहें बचा भी सकते हैं, उसको रोटी चावल के साथ खाएं तो भुना भुना गोश्त बहुत टेस्टी होता है। आप चाहें तो थोड़ा सा निकाल लीजिए या पूरा डाल दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। 4-5 पीस हरी मिर्ची डाल देते हैं, जितना तीखा आपको खाना पसंद हो
उतना आप हरी मिर्ची डाल दीजिए, हरी मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे, लो फ्लेम पर 15 मिनट तक खिचड़ा को पकने देंगे, बीच में एक दो बार चला देंगे। खिचड़ा को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, इसको हम चलाते गए हैं तो ये तली में चिपका नहीं है, देखिए अच्छे से ये पक गया है। अभी देखने में ये पतला लग रहा है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा होगा। कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा रखना है, थोड़ा सा आप पतला गाढ़ा अपने पसंद से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सुखा दीजिए, गाढ़ा हो जाएगा, या तो इतना पतला ही खाना चाहें क्योंकि बाद में ठंडा हो जाएगा, तो इतना पतला ही रहने दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा आप पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया डाल दिए, धनिया को मिक्स कर लिए, खिचड़ा बनके रेडी हो गया। गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिए, उसमें ऑयल डाल दिए। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए या घी डाल दीजिए। एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल दिए। अब प्याज को फ्राई कर लेंगे बराबर चलाते हुए, इसको हम गोल्डन कलर का कर लिए हैं। गैस को बंद कर दिए। अब खिचड़ा में तड़का लगा दिए, देखिए इस तरह से बघार देते हैं तो बहुत टेस्टी होता है। बहुत लोग बघारते हैं, बहुत लोग नहीं बघारते, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन बघारने से बहुत लाजवाब होता है। तो अब खिचड़ा को सर्व कर लेते हैं। इस तरह से झटपट टेस्टी खिचड़ा बन के रेडी हो गया है। देखकर मुंह में पानी आ रहा है कि झटपट खा लिया जाए। तो इस तरह से टेस्टी खिचड़ा एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।